सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अब आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें, जो है बिल्कुल फ्री, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मानो या ना मानो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सांप से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में। दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सांप का डर तो इतना अधिक होता है कि बहुत से लोग सांप के नाम से ही घबराते हैं। शास्त्रों के अनुसार सांप को पूजनीय कहा गया है, पर सांपों से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन हमारे समाज में प्रचलित है जो आज मैं आपको बताऊंगी। पहला, यदि किसी व्यक्ति को सांप पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। ये एक शुभ शगुन है और धन मिलने की संभावना को दर्शाता है। दूसरा, यदि किसी अमीर व्यक्ति को सांप पेड़ से उतरते हुए दिखाई देता है तो यह अपशगुन माना जाता है। ऐसा होने पर धन हानि की संभावना बढ़ जाती है और पैसे के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, यदि कोई गरीब व्यक्ति सांप को पेड़ से उतरते देखता है तो उसके लिए यह शुभ शगुन है। धनहीन व्यक्ति के लिए यह शगुन पैसा प्राप्त होने की ओर इशारा करता है। चौथा, किसी आवश्यक कार्य पर जाते समय कोई सांप आपके सीधे हाथ की ओर से रास्ता काट दे तो यह शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा होने पर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा, यदि बाएं हाथ की ओर से कोई सांप आपका रास्ता काट दे तो आपको सावधान होकर कार्य करना चाहिए। ऐसा होने पर कार्यों में असफलता के योग बनते हैं। छठा, यदि कोई व्यक्ति सफेद सांप देखता है तो यह एक शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। सातवां, किसी मंदिर में सांप दिखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। आठवां, यदि शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो यह भी बहुत शुभ शगुन होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नौवां, मरा हुआ सांप अपशगुन माना जाता है। यदि कहीं मरा हुआ सांप दिखाई दे तो भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे सांपों से जुड़े शगुन और अपशगुन। इन्हें ध्यान में रखकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको इसी तरह के आश्चर्यचकित और रोमांचित कर देने वाले कहानियाँ और किस्से दिखाते रहें।